नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से 2 दिन बाद एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक की परीक्षा है। दोस्तों, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर 70 नंबर का आएगा, 80 नंबर का। तो मैं आपको बता दूं, पेपर आपका 70 नंबर का ही आएगा और समय आपको 3 घंटे मिलेगा, 2.5 घंटे नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें 1 अंक वाले 28 प्रश्न आएंगे आपको, 2 अंक वाले आपको 8 प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाले 4 प्रश्न और 4 अंक वाला 1 प्रश्न और 5 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे। अगर हम टोटल नंबर करें तो 28 एकम 28, 8 दूनी 16, 4 3 12, 4 एकम 4, 5 दूनी 10, टोटल कुल मिला के 70 अंक का पेपर आपको आएगा। अब इसमें जो 1 अंक वाले 28 प्रश्न आने वाले हैं, वो वीडियो में आपको बताए जाएंगे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान हैं, एक शब्द में उत्तर हैं, उनके आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसके आगे आने वाली वीडियो में 2 अंक वाले 3 अंक वाले 4 अंक वाले और 5 अंक वाले पूरा सॉल्यूशन आपको इस पेपर का बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में पहला ऑब्जेक्टिव है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। अगला न्यूनतम आवेश है, न्यूनतम आवेश है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। आगे आ जाते हैं, 2 प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है विद्युत धारा। विद्युत धारिता का SI मात्रक है आपका फेरेड। प्रतिरोध और विभव में संबंध पूछा हुआ है जो कि है V = IR। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, पर पेपर में आपको यहाँ पे I/R आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तो V = IR जो भी ऑप्शन आपको मिले वो लगा दीजिएगा। धातु का परावैद्युतांक होता है दोस्तों अनंत। अगला और आखिरी ऑब्जेक्टिव है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। दोस्तों, कई लोग आपसे इसका आंसर दुगना कहेंगे, पर इसका आंसर 4 गुना ही है, भ्रमित मत होइएगा। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है, दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है अनंत। गॉस के प्रमेय का सूत्र होता है Φ = Q/ε0। 3 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता आएगी 1 माइक्रोफेरेड। विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान कम होता है। चल कुंडली धारा मापी धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित या धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। 10वां क्वेश्चन है विभव प्रवणता का SI मात्रक जो कि होता है वोल्ट प्रति मीटर। अगला, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और भूलिए मत, यहाँ आगे माइनस लगाना है बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, माइनस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो सही जवाब है आवेश संरक्षण। और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, पर वो पूछा नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। आवेश का क्वांटीकरण बहुत ध्यान से इसे याद कीजिएगा, किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है और विद्युत आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऊर्जा घनत्व का क्या तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिए, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसमें विद्युत ऊर्जा संचित होती है। तो किसी आवेशित चालक के प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा को आवेशित चालक का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। आप चाहें तो उसका सूत्र लिख सकते हैं, ऊर्जा घनत्व बराबर आवेशित चालक में संचित विद्युत ऊर्जा बटे आवेशित चालक का आयतन। अगला सवाल है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। क्या ऐसा कोई चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके। हाँ दोस्तों, पृथ्वी एक ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, ओम का नियम बताइए। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आप विभवांतर लगाते हो उतनी ज्यादा धारा बहती है। आप चाहें तो उसमें ये भी लिख सकते हैं, अर्थात वी समानुपाती आई। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा RI। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं और अकेले कथन भी लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है दोस्तों। तो दोस्तों, यहां से अपने ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। निश्चित ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि तिमाही की अच्छी तैयारी हो पाए। थैंक यू।